जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रविवार को लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ जारी है। बता दें कि मुदरगम और चिन्नीगम फ्रिसल में अब तक 6 आतंकी मारे गए हैं, 2 जवान शहीद हुए हैं। वहीं मुदरगम में 1-2 आतंकियों और चिन्नीगम फ्रिसल में 1 और आतंकी के छिपे होने की संभावना है। दोनों जगहों पर ऑपरेशन चल रहा है। वहीं मुदरगम में आज सुबह 2 आतंकी मारे गए हैं। यहां शनिवार को 1 आतंकी मारा गया था, 1 जवान शहीद हो गया था। बता दें कि कुलगाम के चिन्नीगम फ्रिसल में कल 4 आतंकी मारे गए, 1 जवान शहीद हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मंजाकोट इलाके में आतंकियों ने रविवार सुबह एक आर्मी कैंप पर हमला कर दिया, इसमें 1 जवान घायल हो गया। वहीं जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी घने जंगल के रास्ते की ओर भाग गए। वहीं सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बता दें कि बीते 1 महीने में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं इनमें डोडा में 11 से 12 जून लगातार 2 दिन 2 हमले करने वाले आतंकी और उरी में घुसपैठ करने वाले आतंकियों का एनकाउंटर शामिल है। कंफर्मेशन के हिसाब से 2 अलग अलग एनकाउंटर साइट्स पे एनकाउंटर हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़ कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी और इसमें लगातार इस तरीके का सक्सेसेस आते रहेंगे और जो भी कोशिश होगा दूसरे साइड से उन्होंने मजबूर हैं अपने कोशिशों से बाज नहीं आने का, पर हम अपनी सिस्टम को अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी एजेंसीज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से सब मिलकर और खासकर जैसे मैं बार बार जगह जगह पर कहता हूं कि आवामी सपोर्ट के साथ लोगों के साथ इस चीज को हम जरूर जीतेंगे और हम ये समझते हैं कि लोगों का पीस में शांति में और ज्यादातर और लोगों का जान बचाने के लिए इस अफरा तफरी को खत्म करने के लिए मेरे ख्याल में सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और ये एक और जोर पकड़ रहा है।